क्या पापा जी कम से कम है ना ऊंची डोली है ना डोली इतनी करवानी थी एक डेढ़ घंटे मेरे फोन में नेट ना चलता मैं देखा ये लाइव आ रहा है कि तो हां मैंने देखा ये भाई सारे भाईचारे राम राम जो साथी देखण पा रहे हैं आसी में खड़े हैं डाटा रोड पर डाटा गुराना रोड पर यो वो किला है जिसकी वह चीज बात थी यो किला है भाई जिसके अंदर गौशाला का निर्माण चल रहा है भर्ती होने लग रही है गल के लिए तुमने दिखता होगा ईट उतरण लग रही है उस साइड और यो अपनी पूरी टीम पूरा भाईचारा लाग रहा है बस परमात्मा दिया है दुआ ही बारिश ही ना हो अड़तान बाजिया। दूसरी बात ये जितने जो भी मेरे दानवीर साथी हैं भाई जिनने ईट देने की बात कही थी या पैसा देने की बात कही थी या भाई अपना साधन भेजने की बात कही थी जो भी सेवा में जो भाई जिस चीज़ का सहयोग करना चाहता हो उन सभी साथियों से ये विनती है काम शुरू कर दिया निर्माण कार्य और ज़्यादा नहीं तेन मान लिया महीने में एक महीने के अंदर अंदर एक बहुत ही अच्छा स्थान तैयार कर देंगे जितनी भी एक्सीडेंटल गऊ माता हैं सभी का ताकि यहाँ अच्छे तरीके से इलाज हो सके। उससे दूसरा आप लोगों को बता दूँ हाल फिलहाल भी कल भी खुद मुन्ने तीन गऊ माता को मिट्टी दवाई तीन गऊ माता एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई थी आज है दो गऊ माता आज सुबह सुबह इब आप समझ सको जैसी भी लेकर आवा हूँ न दबावा हाँ और एक चीज में पैसा लग गए है लेकिन कुछ मेरे मूर्ख महान भाई हैं जो अंधभक्त होते हैं अंधे होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता उनका काम होता है उंगली करना इससे अलग नहीं और अच्छेकारा सबसे पहले अपनी जो धरती है सोनीपत की जमीन पर है सबसे पहले हमने शुरुआत करी है अपने घर से अपने परिवार से दान देने की। अब ये देखो कितना विश्वास है हमारे बुजुर्ग का हमारे पर सबसे पहले मैं लाना गाँव का रणजीत बाल्याण मेरा अंकल जी पिता समान गौरव बाल्याण जो अफसर मेरा साथी है उसके पिताजी ने 51,000 रुपये सबसे पहले दिए आग भाई अरे से बहुत बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि वो पहले तो जाना है मैंने। उसके बाद मेरा साथी प्रवीण वर्मा जी 21,000 रुपये मेरे भाई ने दिए जो मेरे गवाना से ही आता है मुगलाना गाँव से। उसके बाद मेरा भाई आता है देवंदर भूखा भैयापुर से समाज सेवी भाई ठेकेदार 11,000 रुपये दिए 8100 रुपये फायर ब्रिगेड से मंजीत दैया मेरा भाई जिसने अपने भाईचारे के साथ मिलकर नौकरी करने वाला भाई है 8100 रुपये दिए। उससे दूसरा है मेरा भाई सुधीर खत्री किसान आंदोलन में शुरू के पहले दिन से जुड़ा हुआ भाई 764 नंबर पिलर पर जो पहले दिन तक बैठा भाई ने 11,000 रुपये दिए। इसके बाद मेरी बहन सविता आ रही है 5100 रुपये मेरी बहन ने भेजे हैं। इसके बाद मेरा भाई है सचिन फौजी बाड़ंत है जिनका भाईचारा एकता संगठन है मेरा भाई हमेशा मेरी गैल खड़ा रहा है हमेशा मेरा भाई मेरी गैल खड़ा रहेगा। मेरे भाई ने कम से भी कम 20,000 रुपये की तो नगद मदद करा ली आप लोगों की वजह से जो ट्रस्ट का अकाउंट नंबर डाला था इसका गौ माता के लिए यहाँ जो डाला था उस दिन जो नुकसान हुआ था प्रोग्राम का उसमें लगभग 1,25,000 रुपये आ चुके हैं भाई आप लोगों की वजह से 1,25,000 रुपये उसमें नगद आ चुके हैं ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। इससे अलग है इब काम चालू हो गया भाई आप लोग का के श्यामी है ये देख लो बाबा जी ने कसम खाई थी आप लोग का तो मैं दिखाऊंगा भी और आज उनकी भाई की कसम भी पूरी करांगे ये देखो जब तक शेयर करते रहे सभी साथी आप सभी साथियों से विनती उंगली करने वाले उंगली उठाने वाले तक ये वीडियो पहुँच जाए। हम काम करते हैं ये जो ट्रैक्टर लगे हुए इनमें तेल लगता फ्री में नहीं चलते ये जो भर्ती होने लग रही मिट्टी पैसे की आवे है वे जो ईटे हैं वे पैसे की आवा हर चीज़ में रुपया लग गए है। कुछ भाई मूर्ख आदमी जो होते हैं ना वो कहते हैं बाबा जी आ जाओ दोनों कुछ भाई मेरे ये कहते हैं जिनको कोई काम नहीं होता ना चंदे की के जरूरत है ऐसा मेरे भाई घर तब हारे लकड़ेगा ना टीगड़े खागा किसी होटल पर बैठ कर चार गल भी जब भी 500 रुपये गोज मगे चले जाएंगे बेरा नहीं पाटेगा जब हम यहाँ सेवा करा कुछ भी करा घर तले कढ़ाना 500 गाड़ी लेकर 50-60 हज़ार रुपये पर डे के क्यों कर लाग जाए बेरा भी नहीं पाटता और वे चीज़ें वे हैं जो गोज मगे लाने लागे रहे हाँ समझे।
एक भाई हाथ ने और ताना मारिया बोला सोले उड़े हाथ ने शेयर तक करवा ले इतनी कहने की जरूरत ना भाईचारा वो बतेरा मजबूत है तेरे पर क्या क्या खुजली हो रही है ये बड़ी चीज है देख हो रही है ना एक वो भाई ओड़े सोले हाथ ने ही है कि सुन लियो शेयर करके दिखाओ इसने सभी साथियों से विनती है जो जुड़ रहे सोले हाथ ने लिखा पा रहे शेयर का बटन दबाते ही शेयर टू ग्रुप ऊपर से नीचे तक 10-10 ग्रुपा में शेयर करो सभी साथी 2000 साथी जुड़ रहे हो एक बार दो की बजाय 3000 जोड़ो मैं देखियो महान शख्स जो है बाबा जी अपना अनिल आर्य जी आज सबसे मैं चीज दिखाता हूँ कितना के प्रेम करा है अपना एक बैल गुजर गया था जो कसैया दोरे तो छटवाया था ये देखो उसकी डेट भी लिखवा रहा किस दिन उसका आखिरी दिन था अरे उस चप्पल नहीं डाली है आज तक कुछ भी नहीं डालता न्यू ईयर है इसका कारण बेरा के कसम खाई थी बाबा जी भाई अपनी खुद की गौशाला होगी उसके हम नेम रखेंगे उस दिन तो भाई मैं करीबन घड़े नहीं कहता मैं एक साल जमीन के लिए इधर उधर भटके भाई हमने ठेके पे मिल जाओ 15-20 साल खातर या खुद की मिल जाओ तो खुद का तो मारा तो बेहद था नहीं भाई फिर आपने एक चीज़ बता दूँ सच्चाई में साक्षात मैंने मतलब एक भगवान कृष्ण के रूप में हर्ष भाई मैंने मिला भाई मेरी जो मनोकामना जो पूरी करी है भाई ने और मैं तो बोल भी नहीं सकता क्योंकि जबाने को निकलती भाई इतनी मतलब खुशी है मतलब कि गौ माता के लिए भाई आगे आया बोलने वाले तो भाई चक कुछ बोलते रहो एक ने कहो सोले हाथ ने शेर वाला बटन तो बोल दे तो भाई छोटी मोटी खाद चलती है खड़िया बाल हो यार एक आदि का मिट्टी ना भाई के है आज के टाइम में आपने देखा होगा 4-4 इंच पर ओले हो जाए मानस मर जा पानी के वार पे और भाई ने जो इतना बढ़िया जो हमारे लिए काम करा गौ माता के लिए करा मैं तो भाई तय दिल से धन्यवाद करूँ भाई का मेरी पूरी टीम की तरफ से मेरे पूरे संगठन की तरफ से और ये मतलब बहुत जबान मतलब बता भी नहीं पा रहा मतलब खुशी के आंसू निकल रहे हैं इतनी बड़ी बात एकदम तुरंत प्रभाव तो भाई की एक चीज़ और बता दूँ आपने मेरे को कहा था मैं बोला भाई माँ फलानी जगह पे किला अपन इतना मिला है उस जगह पे इतना मिला है तो भाई ने खुले दिल से एक बात कही हम तो डर रहा कदे ज़्यादा महंगा ना हो लेकिन भाई ने खुले दिल से एक बात कही थी भाई तन्ने जोन सा किला लेना वो ले तो भाई जो एक चीज़ होया करा भाई मैं दान देऊँ हूँ अरे एक नू आया करे भाई तन्ने जोड़े समझ आओ तू ओढ़ ले कितने बड़े मतलब एक ऑफर हो गया यो तो यो भाई करीबन 30 लाख में अपना यो किला पड़ेगा जिसमें यो काम चल रहा भाई और अपनी नींव तो रखी गई 5 तारीख ने मैं बताता हूँ बाकी बातें तुम भाई तो ही बात करो भाई मैं बताता हूँ आप लोगों को मेरा भाई तेन आ जा रे नहीं आ जा वे जूते पाऊंगे भाणजे गाड़ी में क्वेश्चन भेज गए जूते कटूगा भाई मेरी बात सुनो सीधी अपनी एक बात है जो काम की बात है जो हमारी गल सुख दुख में खड़ा ना टाइम आने पर भाई तो मस्तार देंगे उसके लिए 24 घंटे खड़े हैं मेरा भाणजा है नवीन नारू हरियाणवी कलाकार होने के साथ साथ सबसे बड़ा जिक्र देखो जब भाई का प्रोग्राम बिगड़िया ना भाई का दिल टूटा सबसे पहले मेरे भाणजे ने 2.5 लाख रुपया गिनू कही थी भाई 2.5 लाख रुपया के आप जिम्मेदार हैं हम सारा लाऊंगे चाहे हम क्यों करे भी लावा ये होया अगर बड़ा दिल बड़े दिल का मतलब ये नहीं होता बड़ा ओहदा हो गया अच्छे कपड़े पहने किसी के पास अच्छा पैसा है बड़ा दिल उसका होता है जो दान देने की हिम्मत रखता है समझे ये नहीं पता मेरे कुछ भाइया नाम किस दुख दर्द तकलीफ तो गुजर रहे हैं हाल फिलहाल भी कोई धन्ना के भंडार नहीं भरे हैं थारा प्यार है थारी कोशिश है जिसके कारण लाग रहे हैं एक मोनू कश्यप भाई पूछा है कि 84 में डाटा गुराना रोड पर 1 किलोमीटर चलते यू मेन रोड है भाई ये रहा बैरियर लाग रहे हैं और उस मेन रोड पर एक किला भीतर या गौशाला तैयार होने लग रही है और मेरा भाई इतने दिन तो गाने पाया था वे जूते ले रहेगी जूते ले जूते आज भाई ने जूते पर आऊंगे भाई क्योंकि इसने कसम खाई थी जब तक गौ माता के लिए गौशाला का निर्माण शुरू नहीं होगा मैं जूते नहीं पहनूंगा निर्माण शुरू हो गया थारे सहयोग था थारी दया था थारी दुआ था एक साल में जूते पर है वो भाई एक साल में जूते पर रहेगा आज और उससे दूसरा एक बात और बता देता हूँ भाई मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो फतियाबाद के हैं हिसार के आसपास के गम्मा के आसी के आसपास के गम्मा के दिन मन अग भाई हमने भी चंदे की कह रखी थी मारी लिस्ट ना डाली थारी लिस्ट डालांगे पाई पाई का हिसाब देंगे पाई पाई का सब कुछ डालांगे एक बार देखो आज भाई ने एक साल के बाद जूते पर आ दिया काटे हो भीड़ हो मेवा तक गौ माताओं को जो लेकर कसाई जाते हैं उनका पीछा करते हुए गाने पाए रहा करता इस वो गाने पा ये देखो ये पैर भी पाट रहे हैं ये दिखा है सारे का छाले हो रहे हैं सारे पाया में ये देखो न्यू है और कुछ इसे अंधभक्त मूर्ख इंसान होते हैं जिनको नीचा दिखाने से अलग कोई काम नहीं होता ले भाई भाणजे ले रे हम पर आऊंगे तू फोन पकड़ भाई हाथ लाग कर वो कर दिया ना तो न्यू ना मानियो
कदे नु मानो भाई अक्षन दे मग जूता आया है अपनी जेब से लाए हां बाणजा नवीन नारू अपनी जेब ते जूते लेकर आया कदे को खाम खाई ये सोचा है चंदे के पैसे में जूते आवे हैं ना तो भाई एक रुपया बरता ना किसी ने बर्तन दिया गौ माता की चीज गौ माता ते खवाऊंगे बस विश्वास ये तो भाई गिफ्ट है महाराज जी ने छोटा सा हमारी तरफ से क्योंकि एक साल में जूते पहरे इतना तो फर्ज बना है यार अरे इतने तो हम भी पहरे रहे हैं नुके जमा उजड़ रहे हैं लग रहे सोना अगड़ा पहरे घड़ी 8000 के जूते को ले सकते आ जा तो भाई ले भाई तू परले पागा ले रहा हां महाराज ले दोनों पा इकट्ठे ठाओगा क्यों करवा बाबा जी भावुक नहीं हो अगर इसे भाई खड़े चले ले रे पैर उठाओ पहला ऊपर बड़े बुजुर्ग साथ रहे जा भाई डाडिया किस दिया हां जी वाह अज्जू अज्जू कहन मत देखा नहीं मरने गए इत जूते पर दे चप्पल पहरे खड़े ये तो सेम हो गए हां एक साल पीछे मेरे भाई ने जूते पहरे हर खुशी तो रोने लग रहा कुल मिलाकर बात ये है भाई जो भी अपना भाई अच्छा काम कर रहा उसका साथ देने की कोशिश करो लोगों का काम 1% लोगों का काम है टांग खींचना बाकी 99% लोगों का काम है साथ देना आज का उदाहरण बता दूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है आप लोग लड़ते हो राहुल गांधी का ट्वीट खोल के देखो सबसे पहले राहुल गांधी ने बधाई दी है मोदी साहब को जन्मदिन की बधाई ये आपस में लड़ते हैं आप लोगों के सामने कांग्रेस बीजेपी आप लोग खेलते हो ये इकट्ठा खाते हैं इकट्ठा पीते हैं इकट्ठा रहते हैं और अच्छा करने वालों की टांग कैसे खींची जाती थारे श्याम उदाहरण है सोनू सूद ने इतने गरीब परिवारों की मदद की जेल में है केस कर दिया ना सरकार ने सर उसके पीछे लगा दिए ना ये जो भी अपने गुर्गे हैं किस लिए वो इसलिए वो अच्छा काम कर रहा था उस आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली होगी या केजरीवाल तो संपर्क कराया होगा करते तुरंत केस कर दिया तो अच्छाई फलाने वाले का साथ दो सोनू सूद के साथ हाँ भाई जो इतना अच्छा काम कर रहा है और उंगलियां हमेशा अच्छे आदमी पर उठती हैं उससे पेट कटड़े मारा करे लोग पत्थर मारा करे जिस पर फल लागते हो समझदार इंसानों को सारा काफी है बाकी मैं नंबर बताऊंगा जो भी नजदीकी साथी मदद करना चाहते हो गौशाला का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है भाई ऊपर फोन नंबर डालू तुरंत फोन करो जिस भाई ते जिसा भी सारा लागत तमने जिन सारा लाया 1.25 लाख रुपये भेजे धन्यवाद भाई थारा सबसे पहले एक एक रुपये का सबके श्यामी पोस्ट डालते रहेंगे हिसाब देंगे आप लोगों का प्यार प्रेम बना रहे और जो भी नजदीकी साथी मदद करना चाहता हो वे फोन नंबर बताए देने वो बोल के 9481 एक ये बेचली जाएंगे अच्छा 9481 इंग्लिश मोर बता दिया 9541899555 भाई मैं डालू हूँ ऊपर लिख के ज्यादा तेज बोला बाबा जी थारी समझ बनाओ देख गदा का ट्रैक्टर आने लग रहे हैं यो देखो थरे श्यामी दिख गया बैरिगेटर लाग रहे हैं अपनी गौशाला वाले इसके मेन रोड पे जो भी साथी आना चाहता हो अपना समय देना चाहता हो या किसी भी तरह की मदद करना चाहता हो वे साथी आए सभी साथियों का राम राम जय हिंद जय गौ माता की थारा प्यार प्रेम आशीर्वाद न्यूआ बना रहे।